चलो, सरफेस एनर्जी तक हमने कर लिया था, भाई सरफेस एनर्जी का क्वेश्चन कर लिया था। सरफेस टेंशन में मैंने बोला था चार से पांच टॉपिक हमको पढ़ना है। पहला सरफेस टेंशन खुद, जो हमने क्या कर लिया, देख लिया है। दूसरा टॉपिक सरफेस एनर्जी का, राइट, थ्योरेटिकल और न्यूमेरिकल दोनों क्या किया है, देखा है। नेक्स्ट हमें देखना है एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, उसके बाद देखेंगे कैपिलरी राइज, और उसके बाद देखेंगे एक्सेस प्रेशर, राइट। ये हमारा सरफेस टेंशन का पार्ट हो जाएगा। तो नेक्स्ट हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। ये सारी चीजें जो हम क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं अल्टीमेटली इनको कैपिलरी राइज में हमको क्या करना है, यूज करना है। अब देखो, तुमने क्या किया होगा, ये देखा होगा कि मान लो तुम्हारे पास क्या है, वाटर का ड्रॉप है, और तुम एक ड्रॉप पानी को कहीं भी क्या कर रहे हो, डाल रहे हो। तो वो अलग अलग सर्फेस पर जब हम उसको क्या करते हैं, पोर करते हैं, अलग अलग सर्फेस पर रखते हैं, तो उसका शेप अलग अलग होता है। फॉर एग्जाम्पल, मान लो तुमने क्या कर लिया, कागज लिया है या वुड लिया है, उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी डालो। जब तुम उसके ऊपर एक ड्रॉप पानी क्या करते रखते हो, तो उसका शेप कुछ इस तरह का रहता है, राइट। वो ज्यादा से ज्यादा क्या रहता है, सरफेस के साथ कांटेक्ट में रखता है। पर अगर ठीक इसी टाइम पे मान लो तुमने क्या किया, कोई लीफ ले लिया है जिसके ऊपर मोम का एक लेयर है, तुमने पढ़ा भी होगा शायद, राइट, या सिंबल कोई भी ऐसा सरफेस ले लो जिसके ऊपर मान लो क्या है, वैक्स का लेयर डाल दिया। अब अगर वैक्स के लेयर में हम क्या करते हैं, उतना ही ड्रॉप पानी डाले, तो वो कुछ इस शेप का रहता है, इस तरह से शेप बनाता है, राइट। वो चाहता है कि इसके साथ कम से कम कॉन्टैक्ट में रहे। तो ये किस टाइप का कॉन्टैक्ट में रहेगा, ये डिपेंड करेगा कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कैसा है। किसके बीच में, सरफेस और वाटर के बीच में। सरफेस और जो वाटर है वो अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स है, और अलग अलग टाइप के मॉलिक्यूल्स के बीच में लगने वाले फोर्स को हम क्या बोलते हैं, एडहेसिव फोर्स। इसका मतलब ये डिपेंड करेगा कि उनके बीच में लगने वाला एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स कैसा है। अगर ऐसा हुआ कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, मतलब एडहेसिव फोर्स ज्यादा है किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव के। और अगर ऐसा हुआ कि भाई इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम है, ये इसके साथ कांटेक्ट में नहीं रहना चाह रहा, बिल्कुल अपने आप को समेट के रखा हुआ है, राइट, और अपने आप को क्या कर रहा है, खींच के रखा हुआ है, तो हम कहेंगे कि भाई इसमें एडहेसिव फोर्स क्या है, कम है, और कोहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि वो दूसरे सर्फेस के साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट में है, और इसी तरह से वो दूसरे सर्फेस के साथ किस तरह से कॉन्टैक्ट में है, इससे हम ये भी पता कर सकते हैं कि वो उसके साथ कितना एंगल क्या कर रहा है, बना रहा है। तो यहां पे हम क्या करते हैं, एक एंगल देखते हैं, और उसी एंगल को हम क्या कह रहे हैं, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। अब अगर तुम देखो तो एंगल देखा किसके बीच में जाता है, एंगल देखा जाता है जो भी सरफेस है उसके बीच में, और जो भी यहां पर हमने लिक्विड लिया है उसके साथ क्या करते हैं, टेंजेंट ड्रॉ करते हैं। अब अगर मैं टेंजेंट ड्रॉ करूंगा तो मेरे पास दो एंगल दिख रहा है, एक इधर और दूसरा इधर। तो हमेशा लिक्विड के अंदर वाला पार्ट में जो एंगल बनता है उसी को क्या करते हैं, कंसिडर करते हैं, राइट। लिक्विड के अंदर वाले पार्ट में जो भी एंगल बनेगा हमेशा क्या करेंगे, उसी को कंसिडर करेंगे। जैसे अगर हम यहां पे क्या करें, देखें, तो हम बोलेंगे ये हो गया हमारा क्या, सरफेस और सतह के साथ, या सरफेस के साथ जो है, या फिर जो हमारे पास क्या लिक्विड है उसके साथ टेंजेंट अगर ड्रॉ करेंगे तो इस तरह से हो जाएगा। जब टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और सरफेस का एंगल देखेंगे तो एक एंगल ये होगा, दूसरा ये होगा, लेकिन एंगल हमेशा कौन सा लेंगे, राइट, लिक्विड के अंदर वाला, और उसी को हम बोलते हैं एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो लेट्स से यहां पे हमने एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को क्या कर दिया, थीटा से रिप्रेजेंट कर दिया। तो तीन टाइप के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हो जाएंगे, एक हो जाएगा लेस देन 90, एक हो जाएगा ग्रेटर देन 90, और एक हो जाएगा एग्जैक्टली 90 डिग्री, जो ड्रॉप के एग्जाम्पल के साथ हम नहीं ले पाएंगे, पर जब हम कैपिलरी ट्यूब का क्या करेंगे, एग्जाम्पल लेंगे, तो वहां पर हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं, क्लियर है ये। तो तीन टाइप के एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट हमारे पास होंगे, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90, और एक इक्वल टू 90, और ये हमें बताएंगे कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को देख के हम ये रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एडहेसिव फोर्स ज्यादा है या कोहेसिव ज्यादा है या दोनों बराबर है, क्लियर है ये। तो पहले क्या करना है, डेफिनेशन लिखना है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन सरफेस, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट इज द एंगल बिटवीन सरफेस एंड टेंजेंट ड्रॉन टू द बाउंड्री ऑफ लिक्विड एंड दिस एंगल इज टेकन inside the liquid. The angle is taken inside
द लिक्विड। तो जो सरफेस और टेंजेंट के बीच का एंगल है उसमें भी कौन सा एंगल हम कंसिडर करते हैं, राइट, लिक्विड के अंदर वाला। तो तीन केस हमारे पास हो जाएंगे। पहला केस होगा कि जो एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट है वो क्या है, लेस देन 90 डिग्री, राइट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट जो है वो लेस देन 90 डिग्री है। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री ऐसे हो सकता है कि मान लो हमने कोई लकड़ी का टुकड़ा ले लिया है, कागज ले लिया और उसमें कोई पानी का ड्रॉप डाल दिया, तो पानी का ड्रॉप क्या होता है, इस तरह से फैल जाता है और ये इस तरह से अंदर में क्या है, पानी भरा हुआ है, लिक्विड भरा हुआ है। अब अगर इसमें एंगल हमें क्या करना है, कंसिडर करना है, तो एक सरफेस के साथ हम क्या करेंगे, लाइन ड्रॉ करेंगे और बाउंड्री के साथ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे। उसमें जो एंगल होगा अंदर वाला यही हो जाएगा हमारा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। जब एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेस देन 90 डिग्री है, तो हम इसमें बता सकते हैं कि इनके बीच में फोर्स ज्यादा लग रहा है, इसीलिए वो क्या कर रहा है, फैल जा रहा है बिल्कुल, जबकि लिक्विड और लिक्विड के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, कम है। तो जब लेस देन 90 डिग्री का केस होगा, राइट, लेस देन 90 डिग्री का केस होगा, तो हम कहेंगे कि यहां पे एडहेसिव फोर्स क्या है, ज्यादा है, किसके कंपैरिजन में, कोहेसिव। प्लीज इसको पूरा लिखना, शॉर्ट फॉर्म में नहीं, एडहेसिव एंड कोहेसिव, क्लियर है ये। इसी तरह से हमारे पास सेकंड केस हो जाएगा, राइट, केस टू हो जाएगा, थीटा की वैल्यू ग्रेटर देन 90। कभी कभी डायरेक्ट ग्रेटर देन लेस देन नहीं बोलता है, एक्यूट एंगल एंड ऑब्ट्यूस एंगल बोल देता है। तो आई होप इतना मैथ याद होगा, राइट, ऐसे भी क्या करेगा बोलेगा। तो लेट से हमने क्या किया, लिक्विड के ड्रॉप को हमने ले लिया किसमें, किसी वैक्स के ऊपर, तो वो इस तरह के केस में रहता है, ऐसे रहता है, राइट, ऐसे। अब अगर मुझे यहां पे क्या करना है, एंगल देखना है, तो हम क्या करेंगे, एक तो सरफेस के साथ क्या करेंगे, ड्रॉ करेंगे, दूसरा बाउंड्री के साथ टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, और जो अंदर वाला एंगल होगा उसको हम क्या करेंगे, लेंगे। तो ये ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ग्रेटर देन 90 है, ये कहने का मतलब है कि इनके बीच में लगने वाला फोर्स कम है और आपस में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है। तो यहां से हम कंक्लूजन निकालेंगे कि जो एडहेसिव फोर्स है वो कम है किससे, कोहेसिव फोर्स से। इसी तरह से हमारे पास एक तीसरा केस भी हो सकता है जहां पे थीटा की वैल्यू एग्जैक्टली क्या रहे, 90 डिग्री। अब मैं ड्रॉप के साथ इसका एग्जांपल नहीं बता सकता, पर परेशान होने की जरूरत नहीं, जब हम कैपिलरी ट्यूब क्या करेंगे पढ़ेंगे तो वहां पे इनको फिर से हम देखेंगे, राइट, थीटा ग्रेटर देन 90, थीटा लेस देन 90 और थीटा इक्वल टू 90, राइट। और कैपिलरी के साथ जब हम कैपिलरी में लिक्विड क्या करेंगे डालेंगे तो वहां पे एंगल क्या बनेगा, 90 डिग्री बनेगा। तो बिल्कुल ऐसे परेशान नहीं होना, सर इसका एग्जांपल का है, इसके साथ इसका एग्जांपल हम नहीं दे सकते, कोई लिक्विड ऐसे नहीं बनेगा, पर कैपिलरी ट्यूब के साथ हम क्या कर सकते हैं, एग्जांपल दे सकते हैं। तो कैपिलरी ट्यूब पढ़ लेंगे तो मैं इसका क्या करूंगा, एग्जांपल बता दूंगा यहां पे कि एंगल 90 डिग्री का मतलब क्या है। जब यहां पे 90 डिग्री का एंगल बनेगा तो हम यहां पे बोलेंगे कि कंक्लूजन सीधा सीधा यही है कि जो एडहेसिव फोर्स है वो इक्वल है किसके, कोहेसिव फोर्स के। क्लियर है? तो सिंपल सा छोटा सा टॉपिक है, जो उससे क्या कर सकता है, पूछ सकता है कि ग्रेटर देन 90 है तो क्या मीनिंग है, या लेस देन 90 क्या मीनिंग है और उसका क्या वो हो सकता है। तुम चाहो तो एग्जांपल भी लिख सकते हो कि एक लिक्विड का ड्रॉप वुड के ऊपर या कागज के ऊपर, पेपर के ऊपर, और लिक्विड का ड्रॉप वैक्स के ऊपर, वहां पे क्या एग्जांपल होना चाहिए, वो अभी मैं क्या करूंगा बताऊंगा। मैंने बोला है कि अभी कॉलम करके लिखवा दूंगा तीनों, तो तीनों के मैं एग्जांपल भी क्या कर दूंगा बता दूंगा, और अलग एग्जांपल बताऊंगा, ये नहीं। क्लियर है? इसको लिख लेना है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, देखना है कैपिलरी राइज। कैपिलरी राइज क्या करते हैं, तब देखते हैं जब मान लो एक ट्यूब लिया है, ट्यूब जिसका रेडियस क्या है, बहुत कम। रेडियस बहुत कम क्यों होना चाहिए, वो हम क्या करेंगे जब डेरिवेशन देखेंगे उस टाइम हमें समझ में आ जाएगा। तो जिस ऐसा ट्यूब जिसका रेडियस बहुत कम है उसको कैपिलरी ट्यूब बोलते हैं, और उसमें जब लिक्विड क्या होता है ऊपर की तरफ चढ़ता है उसको बोलते हैं क्या, कैपिलरी राइज। अब समझो, मान लो मैंने बोला कि मेरे पास क्या है, एक इस तरह का ट्यूब है, राइट, ट्यूब का जो रेडियस होना चाहिए वो बहुत कम होना चाहिए, रिप्रेजेंटेशन के लिए हम यहां पे क्या कर रहे हैं, इतना बड़ा बना ले, और इसमें मैंने क्या कर दिया, एक लिक्विड नीचे भर दिया हुआ है, एक कंटेनर लिया उसमें लिक्विड भरा हुआ है। अब ये कंटेनर से लिक्विड ऊपर की तरफ क्यों चढ़ेगा, क्योंकि लिक्विड के बीच में और जिसका भी हमने ट्यूब लिया, लेट्स से ग्लास ट्यूब है, उनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा। अलग अलग मटेरियल के बीच में लगने वाला फोर्स एडहेसिव, अगर एडहेसिव फोर्स ज्यादा हुआ तब ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा। तुम इसको ऐसे समझ सकते हो कि या तो क्या करेगा, जो लिक्विड है उसके इसको सीढ़ी की तरफ पकड़ेगा और ऊपर की तरफ चढ़ना शुरू कर देगा, उनके बीच में लगने वाला फोर्स ज्यादा है। या तुम ऐसे समझ सकते हो कि ये जो ग्लास का ट्यूब लेंगे वो उसको पकड़ के क्या करेगा, खींचने लगेगा। अब तुम खुद इमेजिन करो कि तुम्हारे पास एक मेम्ब्रेन है, क्योंकि सरफेस टेंशन हम पढ़ रहे हैं, पूरे लिक्विड को हम एक खींचे हुए मेम्ब्रेन की तरह क्या करेंगे मानेंगे। एक मेम्ब्रेन है, अगर तुम उसको खींचना शुरू कर दोगे ऊपर की तरफ, तो उसका जो सरफेस होगा उस तरह से होगा या नहीं होगा, ऊपर की तरफ चढ़ेगा।
तो जब भी ये क्या करेगा, ऊपर की तरफ जाना शुरू करेगा, ये जो सरफेस होगा वो इस तरह से हो जाएगा, इसको बोलते हैं मेनिस्कस। राइट, इसका शेप कैसा होगा, मेनिस्कस जो होगा उसका शेप होगा इस तरह का, इस सरफेस को बोलेंगे कॉनकेव। ऐसा नहीं है कि कैपिलरी फॉल नहीं होता, हमारे सिलेबस में सिर्फ और सिर्फ क्या है, कैपिलरी राइज, जिसमें लिक्विड क्या करेगा ऊपर की तरफ चढ़ेगा, और ऊपर तब चढ़ सकता है जब एडहेसिव फोर्स क्या हो, ज्यादा हो। इसी तरह से अगर ऐसा हुआ कि कोहेसिव फोर्स ज्यादा हो जाए तो वो लिक्विड क्या होगा, नीचे की तरफ आएगा, विच इज नोन एज कैपिलरी फॉल। अब कैपिलरी फॉल सिलेबस में नहीं है, बट इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं कि वो तुमसे कॉन्सेप्चुअल प्रॉब्लम नहीं पूछ सकता कि कैपिलरी फॉल कब होगा। इसी तरह से अगर ऐसा हुआ कि एडहेसिव और कोहेसिव बराबर है तो ना तो ये ऊपर की तरफ जाएगा और ना ही नीचे की तरफ जाएगा, वो एक ही लेवल पे क्या रहेगा, स्टे रहेगा, एक ही लेवल पे रुका रहेगा। क्लियर है ये? तो भले हम कैपिलरी राइज क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, हमें ये जानना है कि कितने हाइट तक चढ़ेगा। तुम्हारा ये भी कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए कि अगर कोहेसिव ज्यादा हो जाए तो नीचे की तरफ चला जाएगा, जब नीचे की तरफ जाएगा तो तुम खुद इमेजिन करो कि तुम उसको पकड़ कर नीचे खींचोगे। अगर किसी मेम्ब्रेन को तुम नीचे की तरफ खींचोगे तो उसका शेप ऐसा हो जाएगा, ऊपर से देखोगे तो शेप कैसा दिखेगा, कॉन्वेक्स। तो शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा हो जाएगा, कॉन्वेक्स, ऊपर की तरफ लेके जाओगे तो कॉनकेव। तो शेप ऑफ मेनिस्कस भी क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तो पहले क्या करना है, सही तरीके से समझना है, उसके बाद नोट करना है। लेट्स से यहां पर हमने क्या किया है, एक कैपिलरी ट्यूब ले लिया है और उसको एक कंटेनर के अंदर डाल दिया है। राइट, एक कंटेनर के अंदर डाल दिया और इस कंटेनर में हमने क्या कर दिया, लिक्विड फिल कर दिया। कायदे से शुरू में लिक्विड को इतने लेवल पे रहना चाहिए, राइट, ऐसे रहना चाहिए। इसकी डेंसिटी हमने मान ली कितनी, रो, बट इनके बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, ज्यादा है, जिसकी वजह से इसको पकड़ के ऊपर खींचना शुरू करेगा। इसको तब तक ऊपर खींचता रहेगा जब तक ऊपर खींचने वाला फोर्स नीचे लगने वाले फोर्स के बराबर ना हो जाए। ऊपर कौन खींच रहा है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, सरफेस टेंशन की वजह से ये क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है और नीचे क्या लगेगा, वेट। जैसे जैसे ये ऊपर जाता जाएगा वैसे वैसे उसका वेट क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक ऐसा टाइम आएगा जब ऊपर लगने वाला फोर्स नीचे लगने वाले वेट के बराबर हो जाएगा, उस टाइम पे ही जाके क्या हो जाएगा, रुक जाएगा, फिर ना ही ऊपर जा सकता और ना नीचे आ सकता है। तो लेट से ये चढ़ते चढ़ते यहां तक चढ़ गया, इसको मैं सॉलिड से क्या कर रहा, रिप्रेजेंट कर रहा इस तरह से, यहां तक लिक्विड क्या हो गया है, चढ़ गया है, ऐसे खिंच गया है। तो ये होता है, इसी को बोलते हैं मेनिस्कस। राइट, इस तरह से लिखते हैं इसे, इसको लिखा जाता है क्या, मेनिस्कस। और यहां पे जो मेनिस्कस का शेप है ऊपर से देखने पे कैसा है, कॉनकेव है। ऊपर से देखने पे जैसा दिखेगा उसी तरह से हम इसको क्या करेंगे, बताएंगे। ऊपर से देखने पे जैसा भी दिखेगा बिल्कुल वैसे ही हमको क्या करना है, बताना है। क्लियर है ये? भाई शायद तुमने केमिस्ट्री में भी क्या किया होगा, पढ़ा होगा कि शेप ऑफ मेनिस्कस जो है, भाई शेप ऑफ मेनिस्कस जो है वो इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि वहां पे बोला जाता है कि ऑब्जर्वेशनल एरर ना हो तो हमेशा क्या करते हैं, मेनिस्कस के लोअर लेवल को ही हमेशा रीड किया जाता है। याद आ रहा है कुछ? yes, इस तरह से अब मुझे देख रहा है ऊपर की तरफ फोर्स क्या लग रहा है, तो अगर मैं इसको क्या करूंगा, खींचूंगा तो फोर्स मैंने इस डायरेक्शन में लगाया हुआ है। राइट, तो अगर मैं देखूं तो मैं बोलूंगा इधर पे मैंने फोर्स लगाया हुआ है, इसको मैं देखूं तो इधर पे फोर्स लगाया हुआ है। ये जो फोर्स है ये क्या है, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। राइट, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन। क्लियर है? और इसे दो तरफ नहीं लगेगा, ध्यान दो ये ट्यूब है, ये हर तरफ लगेगा। राइट, इसको मैंने टू डायमेंशन में ड्रॉ किया तो सिर्फ दो दिख रहा है, लेकिन इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इधर भी लगेगा, इंटायर राइट पेरिफेरी पे लगेगा, सर्कमफेरेंस पे लगेगा। क्लियर है? अच्छा, ये हो गया हमारा क्या, सरफेस। और इसको अगर मैं आगे खींचूं तो ये हो गया क्या, टेंजेंट। तो टेंजेंट और सरफेस के बीच में और लिक्विड के अंदर का जो एंगल होता है वो क्या कहलाएगा, कॉन्टैक्ट एंगल। तो ये एंगल क्या हो जाएगा, थीटा। अगर ये एंगल थीटा है तो मैं इसको भी तो क्या लिख सकता हूं, क्लियर है ये? ये थीटा क्या दिख रहा है, लेस देन 90, ग्रेटर देन 90, लेस देन 90। जब थीटा की वैल्यू, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट की वैल्यू लेस देन 90 होता है, कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, एडहेसिव। और एडहेसिव फोर्स ज्यादा दिख रहा है जिसकी वजह से ये पकड़ के उसको क्या कर रहा है, ऊपर की तरफ चढ़ रहा है। क्लियर है यहां तक? ठीक है, अब ये जो फोर्स लग रहा है वो हर तरफ लग रहा है। मैंने सोचा एक काम करते हैं, इस फोर्स का कंपोनेंट ले लेते हैं। अगर मैं फोर्स को कंपोनेंट में क्या करूंगा, रिजॉल्व करूंगा, तो मैं बोल सकता हूं कि ऊपर की तरफ क्या लग रहा है, एफ कॉस थीटा, और इधर क्या लगेगा, एफ साइन थीटा। यहां भी मैं रिजॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा एफ कॉस थीटा, और इधर पे क्या लिखूंगा, एफ साइन थीटा। मैं कह सकता हूं कि भाई एफ साइन थीटा क्या कर देगा, और क्या मैं एफ कॉस थीटा को 2f cos थीटा लिख दूं, बिल्कुल नहीं।
राइट, ऐसी गलती नहीं करनी है। रीजन ये है कि इसमें सिर्फ दो फोर्स नहीं है, अरे इसमें तो बहुत सारे फोर्स है जो एफ कॉस थीटा ऊपर लग रहे हैं, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, यहां भी लग रहा है, बात आई समझ में? राइट, पूरे के पूरे सर्कमफेरेंस में तो दो फोर्स होता तो लिख देते, पर यहां पे बहुत सारे फोर्स हैं। क्लियर है ये? फिर तुम्हारे सर एफ साइन थीटा को कैंसिल कर दिया, क्योंकि एफ साइन थीटा भी तो इधर भी है, इधर भी है, नीचे भी, ऊपर भी। साइकिल में जिस तरह से स्पोक निकले रहते हैं, उस तरह से हर तरफ क्या निकला रहेगा? एफ साइन थीटा। और पूरा एफ साइन थीटा एक दूसरे को क्या कर देगा? कैंसिल कर देगा। और ऊपर की तरफ बहुत सारे एफ कॉस थीटा हैं जो पूरे के पूरे इसके सर्कमफेरेंस में लग रहे हैं। अब नीचे की तरफ फोर्स क्या लग रहा है? नीचे की तरफ इतना एक्स्ट्रा लिक्विड जो ऊपर चढ़ गया है उसका वेट लगेगा। मान लिया कि ये कितने हाइट तक चढ़ा हुआ है, एच हाइट तक चढ़ा हुआ है, राइट, और ये भी कंसिडर कर लिया कि इसका रेडियस कितना है, लेट से आर, तो मैं बोलूंगा यहां तक गया और रुक गया। अब अगर यहां तक जाके रुक गया है, मतलब ऊपर की तरफ लगने वाला फोर्स और नीचे की तरफ लगने वाला फोर्स एक दूसरे को बैलेंस कर लिया हुआ, और इसे को बोलते हैं इक्विलिब्रियम। तो मैंने यहां पे लिखा एट द टाइम ऑफ इक्विलिब्रियम, या सिंपल एट इक्विलिब्रियम, राइट, ऊपर की तरफ लग रहा है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, वो बराबर हो जाएगा किसके? mg के। इतने में जो एक्स्ट्रा लिक्विड भरा हुआ है, ये तो अपने लेवल पे है, कोई दिक्कत नहीं, इतने कोई सामान रखा है ना उसने, ऊपर खींच रखा है, तो इसी के वेट के बराबर। अब फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन में क्या लिखूंगा? फोर्स मल्टीप्लाइड बाय लेंथ। तो मुझे यहां पे लिखना पड़ेगा, राइट, एफ कॉस थीटा है, और एफ को मैं लिख सकता हूं एस इंटू टू पाई आर मल्टीप्लाइड बाय कॉस थीटा। बात आई समझ में? पूरे टू पाई आर में लगेगा। क्लियर है? पूरे 2 पाई आर में क्या होगा? लगेगा। तो हम लिखेंगे s into 2 पाई आर, ये होगा f cos थीटा mg। जनरली मैंने बोला है कि फ्लूइड मैकेनिक्स में डायरेक्ट मास को नहीं लिखते, बल्कि किसके टर्म में लिखते हैं? डेंसिटी के टर्म में। तो मुझे लिखना पड़ेगा डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम। इतने लिक्विड का वॉल्यूम क्या होगा? वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अरे एक सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है वो क्या होता है? पाई आर स्क्वायर इनटू एच। तो इतने लिक्विड पाई आर स्क्वायर एरिया मल्टीप्लाइड बाय एच हाइट। तो ये लिख सकते हैं डेंसिटी मल्टीप्लाइड बाय वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच मल्टीप्लाइड बाय जी। क्या कैंसिल हो रहा है? सिर्फ एक आर से आर स्क्वायर और दूसरा पाई से पाई। इधर पे बच रहा है हमारे पास 2s cos थीटा इज इक्वल टू, इधर पे बच रहा है हमारे पास रो आर एच जी। जनरली तुमसे पूछेगा कि कितने हाइट तक ये ऊपर जा सकता है, तो अगर मैं हाइट के टर्म में इसको लिखना चाहूं तो हाइट के टर्म में हो जाएगा ये 2s cos थीटा डिवाइड बाय रो आर जी, राइट, रो आर जी। ये आ रहा है हमारे पास फॉर्मूला। अगर तुम्हें याद रहा तो इससे कई न्यूमेरिकल क्या कर सकता है, पूछ सकता है। तुम्हें पता भी होना चाहिए कि इसमें जो एक एक टर्म लिखे वो क्या है। तो अगर हम इसमें क्या करें देखें, तो एच हम लिख सकते हैं क्या? हाइट of capillary rise, जहां तक वो राइज किया है उसकी हाइट है। अगर s की बात करेंगे तो ये क्या है? सरफेस टेंशन ऑफ लिक्विड। जो थीटा है वो क्या है? एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। और तुम यहां से देख सकते हो कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट लेस देन 90 डिग्री है, और लेस देन 90 डिग्री, और यहां पे एडहेसिव फोर्स क्या है? ज्यादा है, जिसकी वजह से कैपिलरी राइज हुआ है। उल्टा हो जाता ग्रेटर देन 90 डिग्री तो कैपिलरी फॉल भी हो सकता है, राइट, कैपिलरी फॉल हो जाता। रो क्या है? डेंसिटी ऑफ लिक्विड। आर क्या है? रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब। क्लियर है? अब इसमें समझो, मैंने तुमसे बोला कि भाई जनरली कैपिलरी राइज तब देखने मिलता है जब इसका रेडियस क्या होता है? बहुत कम, क्योंकि तुमको देख के समझ में आ रहा है h क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r। अगर r बहुत ज्यादा होगा तो h इतना कम हो जाएगा जो ऑलमोस्ट कैसा रहेगा? नेग्लिजिबल। तो ये राइज सिग्निफिकेंट तभी दिखता है जब रेडियस ऑफ कैपिलरी ट्यूब क्या हो? बहुत कम, तब ये दिखता है। अब इससे क्या है, कई बार वो क्वेश्चन पूछा हुआ है। एक बार सीधा सीधा क्वेश्चन ये आया हुआ है कि अगर इस ट्यूब के सेटअप को, इस कैपिलरी ट्यूब के पूरे सेटअप को हम कहां ले जाएं? मून पे ले जाएं तो क्या डिफरेंस आएगा? जैसे वो प्लैनेटरी एक्शन की बात करेगा, सबसे पहला दिमाग जाना चाहिए किस पे? जी पे। अब तुमको ये बाय डिफॉल्ट पता होना चाहिए कि मून का जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो 1/6 टाइम्स है एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ अर्थ, राइट। अर्थ की ग्रेविटेशन जी का वो 1/6 है। अगर मैं इसको 1/6 कर दूंगा
तो ये भी क्या हो जाएगा, राइट, सिक्स टाइम्स इंक्रीज हो जाएगा। क्लियर है ये? तो इसके हिसाब से क्या हो सकता है, चेंज हो सकता है। फिर इससे कई थ्योरेटिकल क्वेश्चन वगैरह भी क्या करता है, पूछता है, वो भी हम क्या करके देखेंगे। पहले यहां तक नोट कर लो। अब इसमें हमने क्या किया है, अलग अलग टाइप के ट्यूब डाले हुए हैं या अलग अलग टाइप से डाला हुआ है। लेट्स से हमने बोला कि भाई एक ट्यूब हमारे पास है जो हमने इस तरह से क्या कर दिया, इंसर्ट कर दिया। फिर हमने बोला कि दूसरा जो ट्यूब है वो इस तरह से डाला हुआ है, ऐसे डाला हुआ है। और हमने कहा तीसरा ट्यूब इसी तरह से है, बट हमने उसको क्या कर दिया है, एक एंगल पे ऐसे इंसर्ट कर दिया। अब ये गिवन है कि इन सारे ट्यूब का जो रेडियस है वो क्या है, सेम है। मतलब सेम लिक्विड हो गया तो एस और रो सेम हो गया, आर सेम हो गया, जी सेम हो गया। और अगर सरफेस टेंशन मटेरियल सेम है, ये दोनों कांच, ये मान लो क्या है, सारे एक मटेरियल के बने हो, ये सेम मटेरियल है, तो इनके लिए एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट भी क्या होगा, सेम होगा। क्योंकि एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट डिपेंड करेगा कि भाई उनके बीच में एडहेसिव और कोहेसिव फोर्स कैसा लग रहा है। तो मैंने बोला कि सारे मान लो लेट्स से किसके, ग्लास के बने हुए, सबका रेडियस सेम है, मटेरियल सेम है, तो यहां पे जितने भी फैक्टर्स दिख रहे हैं वो सब कुछ क्या हो गए, सेम हो गया। तो सबके लिए हाइट भी क्या होगी, सेम होगी। भले ही इनका शेप कैसे हो, भले इनको कैसे भी रखा जाए, पर इनमें जो लिक्विड का हाइट होगा वो एग्जैक्टली क्या रहेगा, सेम रहेगा। तो लिक्विड का जो हाइट होगा वो बिल्कुल क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। लेकिन अमाउंट ऑफ लिक्विड सब में सेम हो ऐसा जरूरी नहीं है। जैसा हम देख के बता सकते हैं कि जो पहला ट्यूब है उसमें अमाउंट ऑफ लिक्विड कम होगा, किनके कंपैरिजन में, दूसरे और तीसरे। बट कुछ भी हो जाए, सब में जो हाइट रहेगा वो क्या रहेगा, सेम रहेगा, राइट, जो हाइट होगा वो सेम होगा। कभी कभी क्वेश्चन क्या करता है, ऐसे पूछ लेता है कि हमने एक ट्यूब लिया इस तरह से और उसको इसके साथ टिल्ट करके रख दिया, लेट्स से एंगल थीटा। थीटा क्या है, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। बस एक चीज रख लिया, बस वही बोलना है, नालायक हूं भाई। ये भी तो ध्यान रखो यार, एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट का मीनिंग क्या होता है, ये एंगल कौन सा है, जितने एंगल पे इसको हमने क्या किया है, टिल्ट किया हुआ है, हर जगह पे एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट। तो मान लो हमने थीटा एंगल पे इसको टिल्ट कर दिया, तो पूछता है कि इसके कितने लेंथ पे हमने क्या किया, लिक्विड फिल किया हुआ है। तो कुछ नहीं, यहां से राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है हमारे पास, राइट। अगर ये एल है तो ये क्या हो जाएगा, एल साइन थीटा। तो तुम लिखोगे एल साइन थीटा किसके बराबर है, एच के बराबर। तो एल कितना हो जाएगा, एच बाई साइन थीटा। क्लियर ये? तो इन केस कभी ऐसे पूछ ले कि कितने लेंथ में फैला हुआ है, कितने लेंथ में लिक्विड भरा हुआ है, तो पहले तो एच निकाल लो फॉर्मूले से। ये थीटा अलग है, ये है एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट, और ये थीटा क्या है, जितने एंगल पे हमने इसको क्या किया, टिल्ट किया, इस तरह से। फिर इसी तरह से थ्योरेटिकल क्वेश्चन में ऐसा भी पूछ लेता है कि लेट्स से मैंने क्या किया, यहां पे सारी वैल्यू को पुट किया, राइट, मेरे पास एक कैपिलरी ट्यूब था, मैंने सारी वैल्यूज को क्या कर दिया, पुट कर दिया, और उससे मैंने हाइट निकाला। तो मुझे समझ में आया कि उसमें जो हाइट आना चाहिए था, मतलब अगर मैं उस ट्यूब को एक्चुअली डिप करूं, भाई बिना डिप किए भी तो मैं निकाल सकता हूं ना, जो थोड़ी सी डिप करूंगा तभी वो चढ़ेगा। मैंने वैल्यू पुट कर दी और मैंने हाइट निकाल लिया। मुझे समझ में आया कि जो हाइट है वो आ रहा है लेट्स से 2 सेंटीमीटर। मतलब अगर मैं इस ट्यूब को अंदर डालूंगा तो इसमें 2 सेंटीमीटर तक वो लिक्विड क्या हो जाएगा, राइज कर जाएगा। बट मेरे पास जो ट्यूब है वो 1.5 सेंटीमीटर का ही है, राइट, ये मान लो पहले बड़ा था, मैंने उसको ब्रेक कर दिया 1.5 सेंटीमीटर। अब क्वेश्चन ये है कि अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब या कैपिलरी ट्यूब सफिशिएंट ना हो और उसको हम क्या कर दे, इंसर्ट कर दे, तो क्या होगा। ऑप्शन दिए हुए हैं, मैं इस क्वेश्चन को भी लिखा दूंगा। ऑप्शन दिया हुआ है कि अब लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, राइट, अगर उसको ऐसा लगेगा कि ऊपर तक जा ही नहीं सकता तो चढ़ेगा ही नहीं। दूसरा, लिक्विड चढ़ेगा बिल्कुल टॉप तक और वहीं जाके रुक जाएगा। तीसरा है, जो लिक्विड है वो फाउंटेन की तरह ऐसे बाहर गिरना शुरू हो जाएगा। और चौथा है, जो लिक्विड है वो साइड से ड्रिप होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से। बात आई समझ में? कायदे से लिक्विड को चढ़ना चाहिए था 2 सेंटीमीटर, पर ट्यूब कितना है, 1.5 सेंटीमीटर का है। तो अब क्या होगा, ऐसे पूछा हुआ है। चार ऑप्शन समझ में आया? ऑप्शन दिया हुआ है कि लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, लिक्विड बिल्कुल टॉप तक जाएगा और वहीं जाकर रुक जाएगा, गिरे विरेगा नहीं। तीसरा बोला है, फाउंटेन की तरह पानी बाहर आने लगेगा, लिक्विड बाहर आने लगेगा। और चौथा है कि साइड से ड्रिप होना शुरू हो जाएगा, इस तरह से, और नीचे गिरना शुरू हो जाएगा। चलो ठीक है, कितने कह रहे हैं कि अब लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, राइज ही नहीं होगा, गुड, बढ़िया। कितने कह रहे हैं कि लिक्विड टॉप तक पहुंचेगा, उसके बाद बस खत्म, वहीं तक जाएगा, कुछ नहीं होगा, वेरी गुड। कितने कह रहे हैं कि लिक्विड फाउंटेन की तरह गिरेगा, बाहर की तरह ऐसा गिरना शुरू हो जाएगा,
ठीक है, कितने कह रहे हैं कि लिक्विड साइड से ड्रिप होना शुरू हो जाएगा, अरे बाप रे बहुत सारे ये भी, ठीक है लिक्विड चढ़ेगा ही नहीं, कोई रीजन है कि बस ऐसे ही आंसर दे दिया है, गलत है सही है कोई फर्क नहीं पड़ता, बस अच्छा इमेजिन किया, ठीक है कितने कह रहे टॉप तक चढ़ेगा लेकिन गिरेगा नहीं, कोई एक्सप्लेनेशन, वेरी गुड ठीक है बढ़िया, ये भी बढ़िया एक्सप्लेनेशन है, और वेरी गुड ठीक है राइट, तो यहां पे जो लोग हैं जिनका कहना है कि टॉप तक जाएगा उसके बाद गिरेगा नहीं, उनका कहना है कि या तो वहां तक जाएगा उसके बाद एडहेसिव फोर्स लगा ही नहीं राइट, या फिर शेप ऑफ मेनिस्कस कैसा रहेगा राइट, कॉनकेव तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि ऐसे गिरे, ठीक है कितने कह रहे हैं कि फाउंटेन की तरफ कोई नहीं बोला है, ड्रिप होना शुरू हो जाएगा, एक्सप्लेनेशन बेटा, जिन्होंने बोला ड्रिप होना शुरू होगा, बाहर भी लगेगा तो ड्रिप होना शुरू होगा, ठीक है देखते और कोई राइट, तो अगर कभी भी ऐसा हुआ कि लेंथ ऑफ द ट्यूब सफिशियंट नहीं है तो जब भी तुम उसको क्या करोगे लिक्विड में इंसर्ट करोगे तो वो टॉप तक जाएगा और उसके बाद वो गिरेगा नहीं, कभी भी ऐसा नहीं होगा कि लिक्विड राइट यहां तक गया और इसके बाद ड्रिप होना शुरू हो गया, बिल्कुल टॉप तक जाएगा और वहीं पर जाके क्या हो जाएगा रुक जाएगा, भले वो लेंथ सफिशियंट ना हो, रीजन क्या है वो ऊपर चढ़ी क्यों रहा है, बिकॉज ऑफ एडहेसिव फोर्स पकड़ पकड़ चढ़ रहा है ना, या तुम ऐसे समझ सकते हो कि भाई एडहेसिव फोर्स की वजह से जो दूसरा मटेरियल है ट्यूब जिससे बना हो उसको पकड़ खींच रहा है, यही हो रहा है ना, तो पकड़ खींच रहा है तो पकड़ कहां तक खींचेगा, टॉप तक ही तो खींच पाएगा भाई, सीढ़ी अगर खत्म हो गया तो उसी को तो पकड़ के ऊपर चढ़ रहा था, सिर्फ वहीं तक चढ़ सकता है, उससे बाहर कभी भी ये नहीं गिरेगा राइट, उसको पकड़ पकड़ के क्या कर रहा है चढ़ रहा है, और चढ़ेगा तो बिल्कुल टॉप तक पहुंचेगा बस खत्म, सीढ़ी खत्म, अब उसको पकड़ के कोई खींचने वाला ही नहीं है जो बाहर की तरफ उसको क्या करे खींचे, तो कभी भी वो बाहर नहीं गिरेगा, अगर लेंथ ऑफ द ट्यूब सफिशिएंट नहीं है तो वो सिर्फ टॉप तक जाएगा उसके बाद बिल्कुल भी नहीं गिरेगा, क्लियर है ये, तो पहले इस क्वेश्चन को ही लिख लो इसको बाद में बना लेना, इफ द लेंथ ऑफ द ट्यूब length of the tube is not sufficient for capillary rise, then option A, liquid will not rise at all. Second, liquid will rise till the top. Third, liquid will start coming out of the tube. Like a fountain, Fourth, liquid will start dripping. Start dripping out of the tube. क्लियर है ये? क्या लगाएंगे? बिल्कुल टॉप तक वो क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। क्लियर है ये? इसी तरह से तुमको ये भी ध्यान रखना है कि अगर इस पूरे सिस्टम को कहां ले जाएं? मून पे ले जाएं, तो जो भी हाइट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? 6 times. अब मान लो लिक्विड का वो जो हाइट है वो सफिशियंट ही नहीं है, तो क्या होगा? टॉप तक चढ़ेगा और वहीं जाके रुक जाना चाहिए 6 गुना, पर मान लो उतना बड़ा ट्यूब ही नहीं है, तो कहां तक जाएगा? टॉप तक जाएगा और वो रुक जाएगा। अब अगर मान लो मैंने बोला कि इस पूरे सेटअप को मैं एक फ्री फॉल उसमें रख दूं, क्या बोलते हैं, लिफ्ट में रख दूं, क्योंकि ध्यान रखना मैंने बोला पूरे फिजिक्स में ऐसे सारी क्वांटिटी जो जी पे डिपेंड करेगा वो सिस्टम के एक्सिलरेट होने से क्या होंगे, अफेक्ट होंगे। अगर मैं बोले एक लिफ्ट में रख दूं जो क्या हो रहा है, फ्री फॉल हो रहा है, अब क्या होने वाला है,
अब क्या होगा? अच्छा ये बताओ, फ्री फॉल में जी इफेक्टिव कितना हो जाएगा? राइट, जी माइनस ए लिखोगे ना, तो ये कितना हो जाएगा? जीरो। अगर ये जीरो हो जाएगा तो एच कितना हो जाना चाहिए? इनफाइनाइट। क्या मतलब हुआ इनफाइनाइट का? जितना बड़ा भी ट्यूब लोगे उतना तक चढ़ जाएगा, लेकिन बाहर तो बाहर नहीं निकलेगा। राइट, अगर छोटा सा ट्यूब है तो उसके हाइट यहां तक चढ़ जाएगा, बड़ा ट्यूब है तो वहां तक चढ़ जाएगा, जितना भी बड़ा ट्यूब लोगे उसके बिल्कुल ऊपर तक वो क्या हो जाएगा? चढ़ जाएगा। सेम यही क्वेश्चन बोला जा सकता है कि अगर हम इसको सैटेलाइट में ले जाए, वहां भी वेटलेसनेस की कंडीशन है। राइट, बाहर आउटर स्पेस में ले जाए फिर भी वही कंडीशन है। राइट, एच इनफाइनाइट का मतलब एक्चुअल इनफाइनाइट तक नहीं, बिल्कुल कि हाँ फाउंडिंग तरह निकलना शुरू होगा। इनफाइनाइट का मतलब जितना भी बड़ा ट्यूब लोगे उसके टॉप तक पहुंचेगा और वहीं पे जाके रुक जाएगा। क्लियर है ये? तो अगला क्वेश्चन भी क्या करना है, लिख लेना है। What will happen to capillary rise? What will happen to capillary rise if this setup is kept on a free falling lift? है ना, ध्यान रखना बेटा इस थीटा का थोड़ा सा। देखो, फिर इसी में हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एक्सेस प्रेशर। और दो चीजों के लिए हमें क्या करना है, एक्सेस प्रेशर पढ़ना है। एक पढ़ना है बबल के लिए और दूसरा पढ़ना है ड्रॉप के लिए। पर उतना पढ़ने से पहले थोड़ा सा क्या करो, उसको हटाओ, इसको देखो। मान लो मेरे पास एक इस तरह का सपोर्ट होता, मान लो ऐसे एक फ्रेम लगा हुआ है। इस फ्रेम में मैंने क्या कर दिया है, एक मेम्ब्रेन टाइट कर दिया। यहां से मैंने क्या कर दिया, मेम्ब्रेन को टाइट कर दिया, ऐसे मेम्ब्रेन लगा दिया है ना। तो एक मेम्ब्रेन को ऐसे मैंने पकड़ रखा है, मान लो इधर ऊपर फ्रेम है, नीचे फ्रेम है, इनके पीछे मेम्ब्रेन लगा हुआ है। मैं इधर से खूब तेज से फूंक मारना शुरू कर दूं, तो अगर मैं इधर से खूब तेज से फूंक मारूंगा तो इसमें एक प्रेशर लगेगा। प्रेशर लगने की वजह से इसका जो शेप हो जाएगा वो ऐसा हो जाएगा। क्लियर है ये? क्या इधर से भी प्रेशर लग रहा है? कुछ ना कुछ लग रहा होगा भाई, एटमॉस्फेयर है, कुछ ना कुछ प्रेशर लग रहा होगा। पर इधर से प्रेशर क्या लगेगा? ज्यादा लगेगा। मैं बोल सकता हूं P1 ज्यादा है किससे? P2 से। और जब एक तरफ से ज्यादा प्रेशर लगा, जिसकी वजह से इसका शेप क्या हो गया? राइट, इधर से देखोगे तो कॉनकेव, उधर से देखोगे तो कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लग रहा है? P1 - P2, ये कहलाएगा एक्सेस प्रेशर। जब भी कहीं पे मेम्ब्रेन टाइप का स्ट्रक्चर होगा और एक तरफ से ज्यादा प्रेशर लगेगा, तो जिधर से प्रेशर ज्यादा लगेगा उधर से शेप कॉनकेव, और जिधर से कम लगेगा उधर से शेप कॉनवेक्स हो जाएगा। अब एक तरफ से प्रेशर ज्यादा लग रहा है, एक तरफ से प्रेशर कम लग रहा है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि इक्विलिब्रियम में नहीं है? क्या बोल सकता हूं कि अब ये इक्विलिब्रियम में नहीं है? है। अगर इक्विलिब्रियम में नहीं होता, मूव करने लग जाता। पर एक तरफ से तो प्रेशर ज्यादा लग रहा है और इधर से प्रेशर कम लग रहा है, तो मतलब इधर से फोर्स ज्यादा लग रहा है, इधर से फोर्स, तो इक्विलिब्रियम में कैसे हुआ? अरे बोलो, एक और फोर्स है भैया, जहां से इसको बांध रखा है उसने भी तो उसको पकड़ रखा है, नहीं पकड़ रखा है। ये मैंने इसलिए बताया क्योंकि कई बार स्टूडेंट्स को ये कंफ्यूजन होता है कि सर जब एक तरफ से प्रेशर ज्यादा लग रहा है और एक तरफ से प्रेशर कम लग रहा है, लग तो उसी सरफेस एरिया पे रहा है, तो इधर से फोर्स ज्यादा हुआ, इधर से फोर्स, तो इक्विलिब्रियम में कैसे? सॉरी, तो समझना है कि ये दोनों तो फोर्स लगा ही रहे हैं, ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, कम फोर्स लगा रहा है, लेकिन उसके बावजूद ये शेप मेंटेन है। क्यों? क्योंकि जहां से तुमने इसको बांध रखा है उसने भी तो उसको पकड़ रखा है ना एक तरीके से, तो वो भी क्या कर रहा है, बैलेंस करने की कोशिश कर रहा है। तुम खुद इमेजिन करो कि एक सरफेस को तुमने ऐसे पकड़ा हुआ, इधर से हवा आना शुरू हो जाए तो शेप ऐसे चेंज हो जाएगा। पर अगर वो इक्विलिब्रियम है, इसका मतलब तुम एक्स्ट्रा को पकड़ के ऐसे खींच रहे हो। बात आई समझ में? ठीक है, इतना ध्यान रखना है बस। इसमें ये पॉइंट मुझे बताना था कि एक तरफ से प्रेशर ज्यादा है, दूसरी तरफ से प्रेशर कम है, तो इसका ये बिल्कुल मतलब नहीं है कि इक्विलिब्रियम में नहीं है। जरूर ये ज्यादा फोर्स लगा रहा है, ये कम फोर्स लगा रहा है, पर यहां पे एक और फोर्स लग रहा है जो उसको क्या कर रहा है, बैलेंस कर रहा है, यहां पे उसने बांध के रखा हुआ है फिलहाल। अब मुझे क्या करना है, देखना है। राइट,
शेप ऑफ बबल एंड शेप ऑफ ड्रॉप। अगर मैं ड्रॉप को देखूं या बबल को देखूं तो उसका भी शेप तो ऐसा है, राउंड है। अगर मैं उसको बीच से कट कर दूं तो एक तरह से कॉन्वेक्स दिखेगा और अंदर से कॉनकेव दिखेगा। जिधर से कॉनकेव है उसका मतलब उधर से प्रेशर ज्यादा लग रहा होगा। और सिर्फ वही क्यों यार, अभी मैंने कैपिलरी ट्यूब देखा, कैपिलरी ट्यूब में मुझे इस तरह का शेप दिखा, इधर से भी कुछ प्रेशर लग रहा होगा, इधर से भी प्रेशर लग रहा होगा। किधर का प्रेशर ज्यादा होगा? ऊपर से लगने वाला, तभी तो ऐसे लग रहा है। तो क्या इसका मतलब यह है कि ऊपर से प्रेशर ज्यादा लग रहा है तो उसको नीचे आ जाना चाहिए? नहीं, इक्विलिब्रियम में। क्यों? एक और फोर्स होगा जो उसको पकड़ के खींच रहा है। बात आई समझ में? तो मुझे वही देखना है कि कितना एक्स्ट्रा प्रेशर लगा। पहले समझना है किसके लिए? ड्रॉप के लिए, राइट? पहले समझना है ड्रॉप के लिए और सही तरीके से समझना है। मान लो मेरे पास क्या है, एक इस तरह का ड्रॉप है। अगर ये ड्रॉप है तो अंदर में भी पूरा लिक्विड भरा होगा, राइट? पानी होगा जिसका भी ड्रॉप होगा। अब इसको मैंने इमेजिनरी तरीके से बीच से क्या कर दिया, कट कर दिया। इमेजिन करो कि मैं इसको बीच से क्या कर दूं, कट कर दूं। और बीच से कट करने के बाद सिर्फ और सिर्फ एक पार्ट को मैं इधर बनाऊं, तो अगर मैं हेमिस्फीयर क्या करूंगा, बनाऊंगा, तो ये हेमिस्फीयर मुझे कुछ इस तरह से दिखेगा। अब मुझे ये देखना है कि इस पे कौन कौन सा फोर्स लग रहा है। मैं बोलूंगा कि भाई इसका रेडियस कितना है, आर। अब मैं सिर्फ और सिर्फ इस पे देखूं तो मैं बोल सकता हूं कि इस पे यार फोर्स लग रहा है। पहला तो इधर से एक प्रेशर लग रहा होगा, लेट से ये बोल दिया कितना, P1, अंदर से लग रहा होगा। बाहर से भी एक प्रेशर लग रहा होगा, P2। कौन सा प्रेशर ज्यादा होना चाहिए? P1। तभी तो शेप ऐसा है। उसके बावजूद इक्विलिब्रियम में है, मतलब कोई ना कोई और फोर्स होगा जो P2 की मदद कर रहा होगा। वो फोर्स कौन है? जो दूसरा हाफ है उसने इसको क्या कर रखा है, पकड़ रखा है। भाई है तो ये पूरा शेप ना, मैं तो इमेजिनरी तरीके से कट कर रहा हूं, तो ये वाला हाफ इसको खींच के रखा है और ये वाला हाफ इसको खींच के रखा हुआ है। तो इस साइड पे एक और फोर्स लग रहा है, लेट से इसको बोल दिया मैंने F3, और ये F3 है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, जो कौन लगा रहा है, अदर हाफ। इधर वाला हाफ इस पूरे को अपने साइड पकड़ के खींच के रखा हुआ है। इसी तरह से इधर वाला हाफ दूसरे साइड को भी क्या करेगा, पकड़ खींच के रखा। क्लियर? ये मैं इस P1 के रिप्लेस करके मैं लिख दे रहा F1, और इसी तरह से P2 को रिप्लेस करके लिख दे रहा F2। F1, F2, F3 का मतलब मैं यहां पे लिख दे रहा अलग से। जो F1 है ये फोर्स है ड्यू टू प्रेशर P1। मैं प्रेशर को एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा, आ जाएगा फोर्स। इसी तरह से जो F2 है वो फोर्स है ड्यू टू P2, और जो F3 है वो है फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, और वो एग्जर्ट कर रहा है अदर हाफ। अब ये इक्विलिब्रियम में इसका शेप ऐसी है। इक्विलिब्रियम पे हम क्या कर सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं, राइट? हमने लिखा एट इक्विलिब्रियम राइट हैंड साइड की तरफ लगने वाला फोर्स लेफ्ट हैंड साइड की तरफ लगने वाले फोर्स के क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। राइट हैंड साइड क्या लग रहा है, F1, तो हम लिखेंगे F1 शुड बी इक्वल टू F2 प्लस F3। यही होगा। अब जब हम क्या करेंगे, फोर्स लिखेंगे प्रेशर की वजह से, तो कायदे से क्या लिखना चाहिए, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाइड बाई एरिया। तो मैं यहां पे लिखूंगा P1 मल्टीप्लाइड बाई ये वाला पूरा का पूरा एरिया, और ये एरिया कितना है, पाई आर स्क्वायर। तो मैंने यहां पे लिख दिया पाई आर स्क्वायर। F2 है P2 की वजह से, तो P2 मल्टीप्लाइड बाई एरिया, एरिया कितना लिखूं मैं, P2 की वजह से भी जब मैं प्रेशर लिखूंगा तो मैं क्या लिखूंगा, पाई आर स्क्वायर। इफेक्टिव एरिया उसका वही होगा, समझो बेटा। जो प्रेशर लिखा जाता है वो परपेंडिकुलर फोर्स डिवाइड बाई एरिया लिखा जाता है, राइट? जरूर देखने से लग रहा है सर ये तो सरफेस ऐसा है और इसका जो एरिया होता है हेमिस्फीयर का एरिया होता है 2πr², क्योंकि कंप्लीट एरिया 4πr² होगा, तो ये वाला एरिया कितना, 2πr² होगा। बट इस पे जब तुम क्या करोगे, फोर्स को देखोगे, तो क्या ये पूरा फोर्स हर हमेशा इसके परपेंडिकुलर है क्या? नहीं। हाँ, इसके जगह अगर मैं इफेक्टिव एरिया ये ले लूं तो यही फोर्स इसके क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। इसको इफेक्टिव एरिया या प्रोजेक्टेड एरिया बोलते हैं। प्रोजेक्टेड एरिया कहने का मतलब है एक एरिया, एक क्या बोलते हैं, स्फीयर यहां पर रखो, यहां से टॉर्च डालो, जितने एरिया वो क्या करेगा, कवर करेगा, वही क्या कहलाया जाएगा, प्रोजेक्टेड एरिया। तो जरूर ऐसा लग रहा है 2πr² है, लेकिन ये पूरा फोर्स 2πr² के
परपेंडिकुलर नहीं है, इसको मैं अगर पचका दूं या इसी को मैं नीचे ले आऊं तो ये पाई आर स्क्वायर के क्या दिखेगा, परपेंडिकुलर। तो इफेक्टिव एरिया कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर। इसको याद रखना, जब हम फ्लक्स पढ़ेंगे तो एक बार और देखेंगे, क्या पढ़ेंगे, फ्लक्स। फ्लक्स भी कैसे लिखा जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड मल्टीप्लाइड बाई एरिया। वहां पे भी क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन ऐसे ही आएगा कि यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड ई है तो यहां पे जो फ्लक्स है इस सरफेस से वो कितना होगा, और अगर इसका एरिया तुमने लिया तो आंसर क्या होगा, गलत होगा। अभी से बता दिया मैंने, फिर भी वहां पे तुम गलत करोगे, लिख के ले लो, राइट। वापस आएगा कहां पे, फ्लक्स में, फिर भी तुम क्यों, तुम ऐसे सोच रहे हो फिर भी हम गलत करेंगे नालायक नहीं तुम, तो मैं तुम्हें वो कर रहा ना, टीज कर रहा, तुम क्यों अपने आप को समझ रहे हो, तुम बोलो नहीं सर नहीं करेंगे, लिख लिया हमने, रिवाइज करेंगे तो हमको याद आ जाएगा, क्लियर है ये? Yes, ये छोटा सा पॉइंट है जो इंपॉर्टेंट है बेटा, राइट, थोड़ा सा ध्यान रखना। प्लस F3, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, क्या लिखेंगे, फोर्स ड्यू टू सरफेस टेंशन, एस मल्टीप्लाइड बाई लेंथ। अब अगर एक ड्रॉप को तुम कट करोगे तो सामने से देखो तो क्या दिखेगा, डिस्क, सामने से क्या दिखेगा, डिस्क, और डिस्क के लिए लेंथ कितना लोगे, 2πr, क्या लोगे, 2πr, तो यहां पे लिखोगे s into 2πr, क्लियर है ये, क्या गया, कैंसिल हो जा रहा है, देखो जरा हर जगह से पाई और ये वाला टर्म कैंसिल हो रहा होगा, राइट, पाई और ये वाला टर्म कैंसिल हो गया, क्लियर है ये, क्या बच रहा है, p1r is equal to p2r plus 2s, कहां पे बोल, कोई दिक्कत नहीं, हाँ तो फोर्स है ना, तो फोर्स को सरफेस टेंशन मल्टीप्लाई बाय लेंथ भी लिखा जा सकता है, ठीक है। अब मुझे पता है कौन ज्यादा था, P1 ज्यादा था, P2 क्या था, कम था, तो एक्सेस प्रेशर क्या हो जाएगा, P1 माइनस P2, मुझे वही निकालना है तो उसको मैं इधर ले आया, तो मुझे मिलेगा P1 माइनस P2 into R is equal to 2S, और यही कहला जाएगा एक्सेस प्रेशर। तो अगर मैं एक्सेस प्रेशर क्या करूं लिखूंगा तो क्या मिलेगा, 2S डिवाइड बाई R, राइट, और यही वाला पार्ट हमारा कहला जाएगा एक्सेस प्रेशर। कभी कभी इसी को डेल्टा पी लिख देता है, P1 माइनस P2 लिखेगा वो भी काम चल जाएगा, और ये कितना आएगा, 2S डिवाइड बाई R, डिपेंड करेगा सरफेस टेंशन और रेडियस पे, जितना ज्यादा क्या होगा रेडियस, जितना ज्यादा रेडियस होगा एक्सेस प्रेशर उतना ही कम होगा, ध्यान रखना है हम बात कर रहे हैं एक्सेस प्रेशर की, मतलब ये पूरा अपने आप में टर्म बता रहा है प्रेशर डिफरेंस का, कि अंदर और बाहर में जो प्रेशर डिफरेंस है वो कितना है। कभी कभी क्या बोलता है कि अंदर का प्रेशर बोल देता है, बोल देगा कि भाई अंदर का जो प्रेशर है वो है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो अगर मान लो बोल दिया कि अंदर का प्रेशर है 3 एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर, तो एक्सेस प्रेशर कितना है, 2 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, क्योंकि बाहर से 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो लगेगा ही लगे। इसी तरह से कभी कभी तुमसे बोलेगा कि अंदर में प्रेशर कितना है वो कैलकुलेट करो, तो पहले तुम कैलकुलेट करोगे क्या, एक्सेस प्रेशर, लेट से एक्सेस प्रेशर आ गया 5 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, तो अंदर का प्रेशर कितना होगा, 6 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, बात आ रही समझ में। तो थोड़ा सा क्या करना है, इस चीज को ध्यान रखना है कि उसने पूछा क्या है, क्या उसने एक्सेस पूछा है कि अंदर का प्रेशर पूछा है, क्लियर है ये, थोड़ा सा इसका क्या करना है, ध्यान रखना है। कभी कभी इसी को पी इन माइनस पी आउट भी लिख देता है, अंदर का प्रेशर ज्यादा है तो उसका माइनस बाहर का प्रेशर, पी इन माइनस पी आउट, ये भी लिखेंगे क्या, 2s by r, क्लियर है ये, राइट, नॉर्मल है। अब इसी को मैं क्या कर रहा, कन्वर्ट कर रहा किसमें, बबल में, ध्यान से देखना है ना, वो कोई दिक्कत नहीं, उसको तुम लिख सकते हो, कोई वो नहीं है। अगर मैं तुमसे बोलूं कि ड्रॉप की जगह पे, राइट, ड्रॉप की जगह पे मैं क्या ले लूं, बबल ले लूं, क्या डिफरेंस हो जाएगा ड्रॉप और बबल में, राइट, अंदर में जब ड्रॉप लेते थे तो अंदर में लिक्विड भरा होता है, लेकिन अगर बबल की बात करेंगे तो अंदर भी क्या होगा, एयर होगा, राइट, अंदर भी, और ये एक हॉलो स्फीयर की तरह दिखेगा जब बबल की बात करेंगे, राइट, इसमें भी अंदर से फोर्स ज्यादा लग रहा होगा, बाहर से फोर्स कम लग रहा होगा, तभी इस तरह का शेप है, लेकिन उसके बावजूद ये इंटैक्ट है, मतलब सरफेस टेंशन क्या लगा रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा, तो इक्विलिब्रियम में हम ऐसे लिखेंगे, बट P1 into pi r square, P2 into pi r square यही लिखेंगे, लेकिन
अगर मुझे क्या करना है, इसको देखूंगा मैं, जब इसको मैं क्या करूंगा, बबल को बीच से कट करूंगा, तो मुझे कैसा दिखेगा? रिंग की तरह। ड्रॉप में जो ये डिस्क की तरह दिख रहा था, बबल में ये क्या दिखेगा? रिंग की तरह। और अगर ये रिंग की तरह है तो मुझे टोटल लेंथ कितना लेना पड़ेगा? राइट, 4πr, बाहर का 2πr और अंदर का भी 2πr, क्योंकि ये भी तो इफेक्टिव हो गया, लेंथ हो गया। तो यहां पे जो मैंने 2πr लिखा था, अब यहां पे मुझे क्या लिखना पड़ेगा? 4πr। तो इसकी वजह से ये क्या हो जाएगा? 4s, यहां पे आ जाएगा 4s, यहां पे भी आ जाएगा 4 और यहां पे आएगा 4। क्लियर है ये? तो एक बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर होगा वो कितना होगा? 4s/r, या पी इन माइनस पी आउट लिखोगे तो ये भी कितना हो जाएगा? 4s/r। क्लियर है ये? तो सिंपल सा। और क्यों ऐसा हो रहा है वो भी तुमको मैंने क्या कर दिया, बता दिया है, क्योंकि अगर एक बबल को इमेजिनरी तरीके से कट करोगे तो बाहर का भी लेंथ लेंगे और ये हमने कल क्या कर लिया, डिस्कस कर लिया। क्लियर है ये? तो ड्रॉप की जगह बबल लिख लेना है और इसको भी नोट कर लो। देखो इसमें भी उसी कॉन्सेप्ट को क्या करना है, ध्यान रखना है कि ये जो फॉर्मूला आया है 4s/r का, ये आया है एक्सेस प्रेशर का। अगर कभी ये पूछ लिया कि अंदर का प्रेशर कितना है, तो उसमें क्या करना है, आउटसाइड के प्रेशर को ऐड कर देना है। क्लियर है ये? इसी तरह से कभी कभी ये बोल देगा कि अंदर में इतना प्रेशर है, तो अगर अंदर में प्रेशर दे देगा तो यहां फॉर्मूले में क्या लिखना है, एक्सेस प्रेशर, तो आउटसाइड के प्रेशर को क्या कर देना है, माइनस कर देना है। क्लियर है ये? अब समझो किसी बबल के लिए अगर हम मान लो क्या कर रहे हैं, देख रहे हैं, तो बबल के लिए जो एक्सेस प्रेशर है वो भी क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर। रेडियस जितना कम रहेगा राइट, एक्सेस प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब मान लो हमने दो बबल लिए और दो बबल को एक साथ ऐसे चिपका दे रहे हैं, तो दो बबल जो होते हैं कभी कभी एक दूसरे से चिपक जाते हैं, उसको बोलते हैं कोलेज होना, राइट। तो लेट्स से ये यहां पे क्या हो गए, कोलेज हो गए, आई गेस स्पेलिंग मैंने शायद सही लिखा होगा। तो दो बबल हैं जो कोलेज हो जा रहे हैं, तो मान लो एक बबल हमारा क्या था, काफी बड़ा था, उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर ज्यादा था, इसके साथ दूसरा बबल है जो इस तरह से क्या हो जा रहा है, ऐसे मान लो चिपक जा रहा है। तो जब इस तरह से होगा, थोड़ी देर के लिए इमेजिन करो कि इनकी ऐसी बाउंड्री होती, पर इसका रेडियस क्या है, कम है, लेट्स से कितना, r1, इसका रेडियस क्या है, ज्यादा है, r2, इसके लिए एक्सेस प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा, और इसके लिए एक्सेस प्रेशर, ये भी इधर फोर्स करना लगा रहा है, इधर भी फोर्स लगा रहा है, पर इसके लिए प्रेशर ज्यादा है। तो यहां से जो कॉमन बाउंड्री होगी वो कुछ इस तरह का हो जाएगा, पूछता है इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। क्लियर है ये? राइट, ये एग्जैक्टली ऐसा नहीं होगा, इस तरह से कर्व नहीं होगा कि बिल्कुल इसी तरह से आ जाए, जो कॉमन बाउंड्री होगा उसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कुछ और होगा, क्योंकि ये भी दबा रहा है और ये भी दबा रहा है, पर ये ज्यादा फोर्स लगा दे रहा है, ज्यादा प्रेशर लगा दे रहा है। तो पूछ लेता है कि इसका रेडियस ऑफ कर्वेचर कितना होगा। तो हम सिंपल बोलेंगे कि इसके लिए एक एक्स्ट्रा प्रेशर है, इसके लिए एक्स्ट्रा प्रेशर है, तो नेट बचा कितना, दोनों के एक्सेस प्रेशर का डिफरेंस। तो हम लिखेंगे डेल्टा पी ऑफ सिस्टम इज इक्वल टू डेल्टा पी वन माइनस डेल्टा पी टू, जहां पे डेल्टा पी ही अपने आप में क्या है, एक्सेस प्रेशर, और यहां पे हम एक्सेस प्रेशर का भी क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। बात आ रही है समझ में? एक तो एक्सेस प्रेशर खुद अपने आप में प्रेशर का डिफरेंस होता है, और उनका भी हम क्या कर रहे हैं, डिफरेंस ले रहे हैं। तो यहां पे जो डेल्टा पी है वो क्या है, एक्सेस प्रेशर है। अब डेल्टा पी ऑफ सिस्टम को हम लिख सकते हैं क्या, 2s/r। डेल्टा पी वन को लिखेंगे 2s/r1, और इसे क्या लिखेंगे, 2s/r2। बबल है तो 4s/r1, 4s/r2। इस तरह से हर जगह से जो 4s वाला टर्म है वो क्या हो जाएगा, कैंसिल, और हमें सिंपल मिल जाएगा 1/r = 1/r1 - 1/r2। अगर कभी ऐसा पूछ ले कि जो कॉमन इंटरफेस है उसका रेडियस कितना होगा, तो वो निकालोगे 1/r1 - 1/r2 से। r1 स्मॉलर रेडियस, r2 राइट बिगर रेडियस। तुम चाहो तो उसको एक स्टेप में और सॉल्व कर सकते हो, यहां पे क्या आ जाएगा, r1 r2 ऊपर में, तो r की वैल्यू क्या आ जाएगी, r1 r2/r2 - r1। एक बार शायद क्वेश्चन ऐसे पूछ ले कि इनमें से कौन सा फॉर्मूला सही है, क्या है, कैसे, इस तरह से। क्लियर है ये? तो ये हमारा हो जाएगा, अगर ऐसा हो गया कि ये दोनों एक साथ मिल गए तो भी। क्लियर? तो सिंपल सा फॉर्मूला है, कब एक्सेस प्रेशर पूछा है, कब अंदर का प्रेशर दिया पूछा हुआ है, कब एक्सेस प्रेशर दिया और कब अंदर का प्रेशर दिया हुआ है, इन पे थोड़ा सा क्या करना है, ध्यान रखना है। क्लियर? चलो इसको भी लिख लो, इससे ज्यादा इसमें कुछ और नहीं है, नोट करो इसे। देखो तो हमने अभी क्या कर लिया है,
एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट पढ़ लिया है। एंगल ऑफ कॉन्टेक्ट के बेसिस पे हमने ये देख लिया है कि कब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, कब कोहेसिव फोर्स ज्यादा होगा, एक्सेस प्रेशर देख लिया, कैपिलरी राइज देख लिया, कब कैपिलरी राइज होगा कब नहीं होगा वो देख लिया हमने, मेनिस्कस का शेप भी हम क्या कर रहे हैं यहां पे देख रहे हैं। तो अब इन्हीं सारी चीजों को हम क्या कर रहे हैं एक साथ लिख ले रहे हैं। तो हमारे पास तीन टाइप के केसेस हो जाएंगे। एक हो जाएगा जिसमें थीटा की वैल्यू क्या होगी, लेस देन 90 डिग्री होगी। फिर एक हो जाएगा जिसमें थीटा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। और तीसरा हमारे पास हो जाएगा जिसमें थीटा क्या होगा, एग्जैक्टली इक्वल टू 90 डिग्री। ये थीटा कौन सा एंगल है, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, राइट। ये हो जाएगा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो सबसे पहला जो हमने क्या किया देखा हुआ है, सबसे ऊपर ही हमने लिख लिया है, ये लिखा है क्या, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट। तो पहला लिखा एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तीन तरीके के हो जाएंगे। इसके बेसिस पे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट के बेसिस पे हम क्या कर सकते हैं, फोर्सेस देख सकते हैं, राइट। और ये फोर्सेस कौन से देखेंगे, एडहेसिव एंड कोहेसिव, राइट। प्लीज इसको पूरा लिखना या एटलीस्ट एक जगह पूरा लिख लेना। अगर थीटा के वैल्यू लेस देन 90 डिग्री है तो हम क्या बोलेंगे, एडहेसिव फोर्स क्या होगा, ज्यादा होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से। ग्रेटर देन 90 डिग्री तो जो एडहेसिव फोर्स होगा वो कम होगा किससे, कोहेसिव फोर्स से। और अगर बराबर है तो एडहेसिव फोर्स और कोहेसिव फोर्स क्या होंगे, बराबर बराबर होंगे, राइट। दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। अब अगर ऐसा हुआ, राइट, तो कैपिलरी एक्शन अगर हम क्या करेंगे देखेंगे, तो जब एडहेसिव फोर्स ज्यादा होगा तो ये क्या करेगा, राइज करेगा। हम यहां पे लिखेंगे कैपिलरी राइज होगा। एडहेसिव फोर्स कम है और कोहेसिव ज्यादा है तो फॉल होगा, राइट। हम यहां पे लिखेंगे कैपिलरी फॉल, जबकि यहां की अगर हम बात करें तो ना तो राइज होगा ना तो फॉल होगा। तो यहां पे लिखा जा सकता है नेदर राइज नॉर फॉल, ना तो ये राइज करेगा ना तो फॉल करेगा। अगर हम इसी में क्या करें, इसको देखें कि भाई किस टाइप का दिखेगा, कैपिलरी में ही हम क्या करें इसको देखें, तो यहां पे हम क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं कि लेट्स से ये कंटेनर है, और इसमें हमने क्या किया, लिक्विड फिल किया हुआ है। तो लिक्विड जब हम क्या करेंगे, फिल करेंगे, तो ये लिक्विड इस तरह से ऊपर होगा, राइट। इसमें भी अगर हम लिक्विड क्या करेंगे, मान लो यहां तक हमने फिल किया हुआ था, तो ये लिक्विड एक्चुअली क्या होगा, नीचे आ जाएगा इसमें, राइट, ऐसे। और इसमें जो लिक्विड रहेगा वो बिल्कुल सेम लेवल तक रहेगा, राइट, सेम लेवल तक रहेगा। तो इसमें कैपिलरी क्या हुआ, राइज हुआ है, इसमें क्या हो गया है, फॉल हो गया, बल्कि ये क्या हुआ, बल्कि नीचे आ गया, इस तरह से ऐसे खींचा जा रहा है, और इसमें सेम लेवल तक है। तुम इनमें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को भी क्या कर सकते हो, देख सकते हो, राइट। एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट को अगर तुम क्या करोगे, देखोगे, तो तुमको यहां पे पता चलेगा कि एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या है, लेस देन 90 डिग्री। इसमें अगर तुम क्या करोगे, एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट क्या करोगे देखोगे, राइट, इस तरह से इसमें क्या करें, टेंजेंट ड्रॉ करें, तो लिक्विड के अंदर वाला देखेंगे ग्रेटर देन 90 डिग्री। और अगर इसमें हम क्या करें, देखें एंगल ऑफ कॉन्टैक्ट, तो ये एग्जैक्टली कितना होगा, 90 डिग्री के बराबर होगा। क्लियर है ये? इसी तरह से हम क्या कर सकते हैं, प्रेशर को भी चेक कर सकते हैं, राइट। ये तो हमने क्या कर लिया, इसको देख लिया। हम चाहे तो इसमें प्रेशर को भी क्या कर सकते हैं, देख सकते हैं। भाई मान लिया इधर से प्रेशर लग रहा है क्या, P1, और अंदर से प्रेशर लग रहा है P2। इसी तरह से यहां से प्रेशर लग रहा है P1, और यहां से प्रेशर लग रहा है P2। इसमें इधर से प्रेशर हमने मान लिया P1, और इधर से हमने मान लिया क्या, P2। तो अगर हम क्या करें, प्रेशर को कंपेयर करें, राइट, प्रेशर को कंपेयर करें, तो हम बोलेंगे P1 क्या है, ज्यादा है किससे, P2 से। इसमें P2 ज्यादा है किससे, P1 से। पर तुमको कहना है सर अगर P2 ज्यादा है तो ऊपर उठना चाहिए, नहीं, ऊपर की तरफ से और कौन सा फोर्स लग रहा है, सरफेस टेंशन, या सरफेस टेंशन को और क्या कर रहा है, नीचे खींच रहा है। क्लियर है ये? और इसमें हम क्या बोलेंगे, P1 बराबर है किसके, P2 के। इसी तरह से हम शेप ऑफ मेनिस्कस भी देख सकते हैं, राइट, शेप ऑफ मेनिस्कस। हमेशा क्या करेंगे, ऊपर तरफ से देखेंगे तो ये कैसा दिखेगा, कॉनकेव। इसमें कैसा दिखेगा, कॉनवेक्स। और इसमें कैसा दिखेगा, एक प्लेन की तरह, राइट। इसके साथ साथ अगर हम इनका एग्जांपल देखें, तो एग्जांपल ऐसा नहीं कि अपने मन से तुम वो कर पाओगे, राइट, किसमें एडहेसिव ज्यादा है किसमें कोहेसिव ज्यादा, इसको निकालने का तरीका नहीं है, इसको बताया जाएगा। तो अगर हम क्या करें, एग्जांपल देखें, तो इसमें हम बोल सकते हैं H2O या वॉटर इन ग्लास ट्यूब। अगर किसी ग्लास ट्यूब में हम क्या करें, वॉटर को लें, तो वो क्या होगा, राइज होगा। इसी तरह से इसमें अगर हम क्या करें, देखें कि भाई किसमें फॉल होगा, तो ये हो सकता है मर्क्यूरी इन ग्लास ट्यूब,
तो मर्क्यूरी में जो लगने वाला कोहेसिव फोर्स होता है वो ज्यादा होता है। अगर मर्क्यूरी को ग्लास ट्यूब में लेंगे तो क्या होता है, फॉल होगा, नीचे की तरफ होगा। और अगर सेम की बात करें तो हम इसमें बोल सकते हैं H2O इन सिल्वर ट्यूब। ये एक एग्जांपल नॉर्मली क्या करने याद रखने बस। अगर मान लो सिल्वर के ट्यूब में हम क्या करें पानी को ले तो बिल्कुल क्या रहेगा, सेम लेवल पे रहेगा। क्लियर है ये? तो यहां से सारी प्रॉपर्टीज को तुम क्या कर सकते हो, देख सकते हो। क्लियर है ये पूरा क्या करना है, ध्यान रखना है। छोटे छोटे से दो टॉपिक बच गए हैं, एक बचा है विस्कोसिटी और दूसरा बचा है स्टोक्स लॉ, राइट, और साथ ही साथ एक छोटा सा रेनॉल्ड्स नंबर। तो कल का जो टॉपिक रहेगा वो जल्दी कंप्लीट हो जाएगा। अगर टॉपिक जल्दी कंप्लीट हो गया तो याद करो पेपर कुछ बचे हुए हैं, राइट, वो भी हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा ध्यान रखना है कि सिंस पेपर को डिस्कस करने का बहुत ज्यादा टाइम अब नहीं मिलेगा बेटा, रीजन ये है कि इस बार का जो एग्जाम होने वाला मई में ही होगा, मोस्ट प्रॉब्ली हम वही लेके चल रहे हैं, इसलिए पूरा का पूरा दिन, एक पूरा दिन पेपर में जाए वो नहीं। तो कोशिश ये करना है कि मोस्टली ऐसे क्वेश्चन कि सर ये कैलकुलेशन से नहीं बना, पहले जो तुम पूछ रहे थे कि सर ये कैलकुलेशन हमारा नहीं आ रहा है आप बता दो, तो ऐसे क्वेश्चंस को तुम खुद थोड़ा सा ट्राई करो सॉल्व करने का। नॉर्मल से क्वेश्चन है जो हल्का सा ट्रिकी है एक दूसरे के साथ डिस्कस करो कहीं हो सके। जो स्पेसिफिक टाइप के क्वेश्चन हो जाए सर इसमें लग रहा है कि गलत ही दिया हुआ या बिल्कुल ही नहीं बन रहा है, ऐसे ही क्वेश्चन को जनरली हम क्या करेंगे, डिस्कस करेंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम क्या करें पेपर वाले डिस्कशन को वो करें, है ना। मोस्टली तुमने देखा है कि अभी बिल्कुल भी टाइम नहीं, सिर्फ और सिर्फ कंटेंट पे ही ध्यान दिया जा रहा है, कंटेंट पे फोकस क्या करना है ज्यादा करना है। पेपर का आंसर तुमको मिल जाता है, सॉल्यूशन ऑलमोस्ट हर जगह कहीं ना कहीं मिलेगा, कोशिश करना है खुद से सॉल्व करने के लिए, क्योंकि उसको सॉल्व करने का ऐसा नहीं है कि एक एक लेक्चर हम उसमें पूरा वो कर दें, है ना, इसलिए पेपर थोड़ा सा पेंडिंग भी होता जा रहा है। तो कोशिश करना है कुछ अच्छे एग्जांपल जो बचे हुए हैं, जो अच्छे क्वेश्चंस बचे हुए उन्हीं को तुम्हारे पास बचे, बाकी आपस में डिस्कस करके राइट थोड़ा सा सॉल्व कर लेना। तो कल हम पहले इसको करेंगे और कल अगर कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हम क्या करेंगे देखेंगे। क्लियर? चलो, थैंक यू।